आई स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। हेयर इज़ मैम शाजिया कौसर फ्रॉम किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स। वेलकम बैक टू राउंड नंबर 3 लेक्चर नंबर 1। डियर किड्स, राउंड नंबर 3 आपका आज शुरू हो चुका है, उसका लेक्चर नंबर 1 है व्हाट इज़ डे टू डे। टुडे इज़ मंडे एंड डेट इज़ 3rd May 2021। डियर किड्स, फर्स्टली वी रीड फ्रॉम इंग्लिश बुक। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, जो पेरेंट्स अभी तक काम नहीं लेकर गए वो स्कूल तशरीफ़ लाएँ और अपने बच्चे का राउंड नंबर 3 का काम लें। जी बेटा, ये है आपकी अर्ली स्टैंडर्ड इंग्लिश सी, इंग्लिश की किताब है। आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इट, विच इज़ ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई रीड एंड मैच द सेंटेंस विद द करेक्ट पिक्चर्स। द एसएलओ इज़ रीड एंड राइट सेंटेंस एंड मैच इट। व्हाट इज़ इट? It is used for things and animals. The word of it just used for things and animals. जी बेटा, it का word use किया जाता है things और animals के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं it is a, first sentence making is it is a chick. ठीक है, आपने क्या करना है, पूरा sentence दी गई space के ऊपर write करना है और फिर साथ इसके match करना है। it is a fish, it is a shoe. ठीक है, यानी ये तीन सेंटेंस आपने फर्स्ट 3 लाइंस के ऊपर एक सेंटेंस को राइट करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इट इज़ अ स्टार, इट इज़ अ बॉट, इट इज़ अ स्पैरो, ठीक है, या इट इज़ अ बर्ड भी आप राइट कर सकते हैं। ये था यूज़ ऑफ इट, आपने यूज़ ऑफ इट करके सेंटेंस मेकिंग करनी थी। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, सब्जेक्ट उर्दू है, सफ़ा नंबर 27 है। इसको बेटा आपने लिखना भी है और याद भी करना है, लफ्ज़ों का खेल। जी बेटा, अपनी उर्दू की किताब खोलें, इब्तदाई कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ उर्दू, ये है आपकी उर्दू की किताब। और आज का हमारा अनवान है लफ्ज़ों का खेल, ठीक है, जिसके मकासद हैं नीचे दिए गए अल्फाज ढूंढें और दायरा लगाएं। जी बेटा, जैसे पहले लफ्ज़ है खरगोश, बंदर, मोर, अनार, जूता, तारा, लड़की, ये अल्फाज हैं। आपने बेटा नीचे हरूफ दिए गए हैं, इसके अंदर से आपने अल्फाज को ढूंढना है और उनके गिर्द आपने दायरा लगाना है। दायरा लगाते हुए आप कलरफुल पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अल्फाज जो हैं वो ज़्यादा तौर पर वाजिया पता चलेंगे। जैसा एक मिसाल दी गई है, खरगोश गेरे खर गेवा गावा गोशीन खरगोश, ठीक है, उसके गिर्द आप देख सकते हैं दायरा लगा हुआ है। इसी तरह बंदर, तो आप देख सकते हैं बे नून दाल रे, ये पूरी एक लाइन आ रही है। तीसरा जो कॉलम है, इसमें बंदर का लफ्ज़ जो है वो छुपा हुआ है, आपने इस लफ्ज़ को ढूंढना है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इन अल्फाज को आपने याद भी करना है जोड़ तोड़ के साथ, और नीचे दिए गए हरूफ में से इन अल्फाज को तलाश करके इनके गिर्द आपने रंगदार पेंसिल्स के साथ दायरा लगाना है। आगे आपको आज जो कॉपी का काम जारी किया गया है उसमें है सब्ज़ियों के नाम तोड़ जोड़ के साथ लिखने हैं। जी बेटा, पिछले लेक्चर में आपको सब्ज़ियों के नाम पढ़ाए गए थे, आज आपने इस कॉपी के ऊपर इसका होमवर्क भी करना है। आइए देखते हैं सब्ज़ियों के नाम कौन कौन से हैं, इनको आपने याद करना है, इनके जोड़ भी लिखने हैं, तोड़ भी, और सब्ज़ियों के अंदर आपने रंग भी भरने हैं। यानी जोड़ वाली साइड पर पहला सब्ज़ी का नाम लिखना है आलू, यानी आलू की तस्वीर है, फिर आगे उसके आपने तोड़ लिखने हैं और आलू में आपने रंग भरना है। ठीक है बेटा, इसी तरह आपने सारा काम मुकम्मल करना है। अगला सब्जेक्ट है दनक, जो कि आपकी तरबियत के लिए किताब जो है वो लगाई गई है, ताकि बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी काम किया जा सके। सब बच्चे दनक की किताब निकालें, बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए इस किताब को लगाया गया है। ठीक है, दनक, तो आइए देखते हैं आज का कौन सा अखलाकी सबक है। अपनी किताबों और कॉपियों से सफ़े मत फाड़ें ये, और इनकी हालत अच्छी रखें। ठीक है बेटा, आपने अपनी कॉपियों और किताबों के सफ़े बिल्कुल नहीं फाड़ने, क्योंकि किताबें और कॉपियां आपकी साथी होती हैं, अच्छी दोस्त होती हैं। आपने बेटा इंग्लिश और उर्दू का सबक अच्छे से याद करना है, होमवर्क आपने अच्छे से करना है। मिलते हैं कल नए लेसन के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्ला।